हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 6, जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और चैप्टर करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा रिकॉल करना है। तो पहले हम अपनी शुरुआत उसी चीज़ से करेंगे जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, एंड दैट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की है, वो ऑब्जेक्ट होता क्या है। अ बॉडी कवर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज। जब एक बॉडी अपने साइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि सपोज करें, एक आपके पास गाड़ी है, जो गाड़ी है उसकी लेंथ क्या हो सकती है, उसकी लेंथ लेट्स से 2 से 3 मीटर है, सपोज कर देते हैं हम लोग, 3 से 4 मीटर भी हो सकती है, 5 मीटर भी हो सकती है, सपोज कर लेते हैं। लेकिन जो उसका डिस्टेंस कवर है, जो डिस्टेंस कवर करती है गाड़ी, वो किलोमीटर में कवर करती है, 10,000, 20,000, 30,000। तो इसका मतलब ये है, एक गाड़ी जिसका साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर बहुत स्मॉल है, उसे हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की थी, और हमने 1 डायमेंशन मोशन देखा था, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन भी देखा था। किस वजह से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है वो भी हमने देखा था, और फिर वर्क, पावर और एनर्जी का कंसेप्ट भी पढ़ा था। आज जो टॉपिक है वो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे पहले। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और उन्हीं को लेकर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग वही यहाँ पर लिखने वाले, समझने वाले और करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने बात की, हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिस्टम की, और इसमें बात करने वाले हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स की। हमारे पास एक बॉडी है जिसका एक फाइनाइट साइज है, एक फिक्स साइज है। सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका कुछ फिक्स साइज है। अब इस बॉडी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 पार्टिकल्स हैं। हालांकि पार्टिकल्स की गिनती लाखों में, करोड़ों में होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर ये मैं मार्कर की बात करूँ तो इस समय इसके अंदर हो सकता है करोड़ों की गिनती में पार्टिकल्स हों। अब हमने बात की क्या कि इंटरनल फोर्स, पहले इंटरनल पे फोकस करते हैं। तो सिस्टम तो क्लियर हो गया कि एक मेरे पास फिक्स साइज की कोई चीज़ है, और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इसको हम लोग एज अ होल को सिस्टम बोलते हैं। अब ये पार्टिकल्स सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब क्या है कि ये वाला पार्टिकल जो है, इन सभी पे जो भी उसकी रेंज में आ रहे हैं, सब पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली इस पार्टिकल के ऊपर भी बाकी पार्टिकल्स की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो फोर्स लग रही हैं सभी एज अ सिस्टम, ये नेट फोर्स ज़ीरो है। मतलब क्या है कि जितनी भी फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो सभी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होने की वजह से एज अ होल सिस्टम ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। इसीलिए अगर ये वाला सिस्टम आपका रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगा, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है एक डायरेक्शन में, तो वो उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन अपना ट्रैवल करता रहेगा।
जो आपने न्यूटन का पहला लॉ या इनर्शिया वाला कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि एज अ सिस्टम ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन वो सारी फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो एज अ होल ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो नेट फोर्स इंटरनल क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इसी वजह से ये जो भी इसका अभी स्टेट है, अगर रेस्ट का है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर ये मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन इन फिक्स डायरेक्शन, तो उसी में ये ट्रैवल करता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये अपना स्टेट चेंज करे, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर स्टेट चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज करें मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर दिया है अनबैलेंस्ड, और उस वजह से अब इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप बाहर से कोई इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो एक तरह से, तो उस वजह से इसका जो मोशन है वो चेंज होगा। अगर ये रेस्ट पे हुआ तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में हुआ तो इसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, डिपेंड करता है कि हमने फोर्स को किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो कंसेप्ट ऑफ सिस्टम क्या कहता है कि मेरे पास अगर एक बॉडी है जो फाइनाइट साइज की है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्सेस सभी इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो इंटरनल फोर्स जो है वो ज़ीरो बन जाएगी नेट। और अगर आप इसका स्टेट चेंज करना चाहते हो सिस्टम का, तो यू हैव टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये भी कहीं ना कहीं आपने थर्ड चैप्टर में ये बात पढ़ी थी, पर ये था कि वहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अभी मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ भी बात करने से पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि दिस इज एन इमेजिनरी टॉपिक, ये एक इमेजिनरी टॉपिक है, मतलब रियलिटी में सेंटर ऑफ मास की कोई कंसेप्ट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ सिचुएशंस को इजीली एनालाइजिस करने के लिए हम लोग ये टॉपिक करते हैं सेंटर ऑफ मास, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है या क्या कंसेप्ट है, साइंस क्या कह रहा है, आपके पास सपोज कर लो एक बॉडी है, और इस बॉडी में अपन सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं चार मास हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब चार पार्टिकल्स हैं, इनके मास होंगे, और मास मान लेते हैं अपन m1, m2, m3 and m4, और जब आप इनको प्लस करोगे तो टोटल मास, लेट मी से कैपिटल M आ गया, यानी इस बॉडी का जो मास है टोटल वो कैपिटल M है, और इसके अंदर टोटल चार पार्टिकल्स हैं m1, m2, m3 and m4। ये बात मुझे समझ में आती है कि एक बॉडी है जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का इंडिविजुअल मास, और सबको प्लस करके जो मास बनेगा दैट विल बी द टोटल मास। ये बात मुझे क्लियर हो गई। अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या है, चलिए पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है ऑफ विच द एंटायर मास, जहां पर पूरा मास ऑफ द बॉडी, अगर मैं एक बॉडी की बात कर रहा हूं तो एक बॉडी का, या फिर सिस्टम ऑफ बॉडी, सपोज कर लेते हैं एक और बॉडी है, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज, और इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग पांच पार्टिकल्स हैं, m1, m2, m3, m4, m5, और इसका मास लगा लेते हैं हम लोग m-। तो चाहे तो एक बॉडी हो या फिर सिस्टम ऑफ बॉडीज हो, इनका जो मतलब
मास होगा इज सपोज टू बी, मान लिया जाता है कि वो उस पॉइंट पर फोकस्ड है। अगर मैं सपोज करूँ इस एक बॉडी की बात करूँ तो इसका जो टोटल मास है वो सपोज कर लिया, यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि इस पूरी बॉडी का जो मास है वो इस पॉइंट पी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक सिंगल बॉडी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से सपोज करो मेरे पास ये सेकंड बॉडी है, इसका मास अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से मैंने सपोज कर लिया कि ये वो पॉइंट है क्यों जहाँ पर इस बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेटेड है क्यों पे। और अब अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम बना लूँ, ये एक सिस्टम ये दूसरा, अब इसको दोनों को मैंने एक अलग सिस्टम दे दिया ना, ज्वाइन कर दिया, तो इनका जो मास है वो लेफ्टी से यहाँ पर लाई करता है पॉइंट आर पे। तो कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई एक बॉडी है, पहले आप एक बॉडी से क्लियर करिए, एक बॉडी का कुछ भी मास हो, लेट मी से 10 केजी है, 10 केजी मास है, और वो अलग अलग पार्टिकल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पार्टिकल है 1 केजी का, कोई 1.5 केजी का, तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसका जो सो टोटल मास 10 केजी है वो हमने बताया कि एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट पर इकट्ठा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर मैं इस एक बॉडी को कंसिडर करूं तो मैंने मान लिया कि वो सेंटर जो है वो पॉइंट पी है, यहाँ पर मैंने मान लिया वो सेंटर पॉइंट क्यू है, और जब मैंने दोनों बॉडीज को एक सिस्टम कंसिडर किया तो फिर मैंने मान लिया इनका जो टोटल मास है वो जिस जगह पर इकट्ठा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज पॉइंट आर, और इन पॉइंट्स को वी विल कॉल सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी के लिए ये हो गया, इस एक बॉडी के लिए ये हो गया, और एज अ होल के लिए ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप कहोगे ये तो पॉइंट बाहर है दोनों बॉडी से, तो मैंने इसी के लिए पॉइंट लिख दिया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हो सकता है बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, और हो सकता है वो बॉडी से बाहर यानी कि आउटसाइड भी हो। एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आपके पास एक रिंग है, तो इस रिंग का जो मास है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी सर्कमफ्रेंस पे, लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट है, जहाँ पे मास है ही नहीं है। तो इसीलिए तो बोला गया है कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी होता है कि हमने सारा मास जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट था, फैला हुआ था, अज्यूम कर लिया कि ये एक पॉइंट पर मौजूद है। अगर आपको याद हो 10th क्लास में आप एक रेजिस्टेंस वाला टॉपिक करते थे, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज, आपको क्या था कि सपोज कर लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस इनका क्या हो गया, 9 ओम हो गया। तो मैं क्या कहता था जब अपा इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते थे कि तीनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देंगे, 9 ओम रख देंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि मास इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी जगह पर हम लोग एक जगह फिक्स कर देते हैं जहाँ पर वो सारा मास फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। लेकिन दो बातें जो बहुत ध्यान में रखनी है कि या तो ये बॉडी के ऊपर होगा और आउटसाइड भी हो सकता है, और ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, रियलिस्टिक में इसका कोई भी आप बोल सकते हो कि मतलब आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स सिस्टम। मतलब मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं और वो दो पार्टिकल्स आप देख भी सकते हो ए और बी हैं, और मुझे इनका सेंटर ऑफ मास लेट मी से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक बात यहाँ पे नोटिस करिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो आप ग्राफ पे इजीली ड्रॉ कर लेते हो, टू डायमेंशन है। जेड एक्सिस ये ऐसे है, जो लाइन आपको आउटवर्ड आती दिखाई दे रही है वो रियलिटी में यूं होती है, ऐसे है। ये जो आप पिंक पेन देख रहे हो वो आउटवर्ड दिख रहा है आपको, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है रियलिटी में। तो ये एक्स है, ये वाई और ये जेड, और जो ए और बी पॉइंट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली बोर्ड के ऊपर नहीं है, वो स्पेस में है। लेट मी से ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो मतलब आर वन और आर टू जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उसमें एक्स वाई और जेड तीनों पॉइंट शामिल हैं, लेकिन हम लोग 3D को 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें ये लग रहा है कि पॉइंट ए भी एक्स वाई प्लेन में है और पॉइंट बी भी, लेकिन रियलिटी में ये दोनों पॉइंट प्लेन में है और स्पेस में है जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों हैं। अब जो पॉइंट ए है वहाँ पर पहला पार्टिकल मौजूद है और उसका मास क्या लेट कर लो m1। जो पार्टिकल पॉइंट बी पर प्रेजेंट है उसका मास अज्यूम कर लेते हैं m2, और ये इन दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन, और पॉइंट सी है जहाँ पर हम लोग लेट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। तो सी क्या है, सी वो पॉइंट है जहाँ पर सारा मास यानी कि m1 और m2 टोटल मास हम लोग मानेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि फिक्स है, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये वाला जो पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर r है। इसी के साथ हम लोग एक बात लिखेंगे f12, मतलब फोर्स लग रही है ऑन फर्स्ट पार्टिकल यानी कि m1 पर ड्यू टू m2, इस पार्टिकल के ऊपर इसकी वजह से फोर्स लग रही है। पार्टिकल है, विद इन सिस्टम है, तो इसलिए इसको अपन इंटरनल फोर्स लिखेंगे, इंटरनल, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के अंदर है जो पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं। उसके बाद है F21, इसमें क्या है, इंटरनल फोर्स लग रही है ऑन M2 ड्यू टू M1, यानी कि ये वाला पार्टिकल यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है। इंडिविजुअल फोर्सेस तो एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं करेंगी, लेकिन मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए एज पर न्यूटन थर्ड लॉ F21 के इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूँगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उसके बाद मैं एक फोर्स F1 कंसिडर करूँगा जिसको मैं लिखूंगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1। हम लोग मानेंगे कि इस मास के ऊपर एक फोर्स लग रही है बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स F1, और इसी तरीके से हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स F2 अज्यूम कर लेंगे जो कि यहाँ पर लग रही है F2। तो मतलब इंटरनल फोर्सेस हो गया F12 एंड F21, दोज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड F1 F2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस, दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर, ये अनबैलेंस हम लोग मान के चल रहे हैं। ये F1 इस मास पे लग रही है और ये F2 इस मास पर लग रही है। सपोज करो मैं बोर्ड को यहाँ से पुश करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ का मास है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी,
किसी ने यहाँ से इसको पुश किया तो इधर वाले मास पे फोर्स अलग लगेगी, तो वही कंसेप्ट है। चलिए तो ये हमारे पास यहाँ पर तैयार हो गया है कि सारे पैरामीटर्स जिनकी हमने बात करनी थी, R1, R2 और R, ये सभी पोजीशन वेक्टर्स हैं। नाउ अब हम लोग सपोज करते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो ऑटोमेटिकली है इस फोर्स की वजह से ये वाला पार्टिकल मोशन में होगा या अपनी स्टेट चेंज करेगा। हो सकता है मोशन से रेस्ट में आ जाए या रेस्ट से मोशन में चला जाए, डायरेक्शन बदल ले, और इसी वजह से ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी, जो वेलोसिटी है वी वन यानी कि एम वन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डी आर वन बाई डी टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उस वजह से जो हमारे पास मास एम वन है उसकी वेलोसिटी किसी टाइम टी पर वी वन इज इक्वल टू डी आर वन बाई डी टी हो गया। इसी तरीके से जो मास m2 है उसकी वेलोसिटी v2 दैट इज डी आर टू बाई डी टी हो गई। तो जब भी हमारे पास अनबैलेंस फोर्स लगता है तो आपको पता है कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, तो किसी टाइम पर हमने वही मूवमेंट को v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी नाम दे दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं या पोजीशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोगों को एक बात क्लियर है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या कहानी थी, कि जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाय डीटी। ये कहानी हमें पता है एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के इक्वल होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर यही चीज़ को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्टिकल m1 की बात करते हैं, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम चेंज है इट विल बी dp1 by dt, यही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वन मतलब पार्टिकल एम वन की बात कर रहे हैं, इट विल बी फोर्स एफ। तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो फोर्स लग रही है एफ वन एक्सटर्नल फोर्स है, और एक फोर्स लग रही है एफ वन टू जो इस वाले मास ने इस पे लगाई है। अब आप कहोगे तो कैंसिल हो गई थी, तो ध्यान रखिए ये इंडिविजुअल कैंसिल आउट नहीं हो सकती, अगर मैं इसको एक होल सिस्टम मान के चलूँगा तब ये कैंसिल आउट होंगी। तो अभी सिर्फ मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो इस पे जो अभी फोर्स लग रही है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक इस पार्टिकल की वजह से इंटरनल फोर्स है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एम टू के लिए, तो उसका भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा डी पी टू बाई डी टी वो भी फोर्स के इक्वल होगा। इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो F2 लग रही है एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स लग रही है वन की वजह से, जिसको हमने नाम F21 दिया था, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यानी कि दोनों का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, जो भी फोर्सेस इन दोनों के ऊपर उस टाइम पर लग रही हैं, और दोनों पे ही एक इंटरनल फोर्स लग रही है और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हम लोग आगे अपने सॉल्यूशन की तरफ चलें। ओके, अब क्या होगा, अब हम लोग इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को
राइट साइड में ऐड करते हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड कर दिया है, राइट पोर्शन में ऐड कर दिया है। कोई डाउट यहाँ तक हमें नहीं है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डी बाई डी टी को कॉमन ले लेंगे, तो पी वन प्लस पी टू, जैसे मैथ में करते हैं, सपोज करो ऐसे ही किया है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉमन लिया और अंदर आ जाएगा मोमेंटम पी वन प्लस पी टू। एफ वन प्लस जो एफ वन टू है वो हमने देखा था एफ टू वन के इक्वल था, लेकिन ये इसके इक्वल तो होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो मैं माइनस लगा सकता हूँ। अब आप कहोगे कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अब हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो यानी कि अब अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, होल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो इंडिविजुअल बात हो रही थी, जब मैंने ऐड कर दिया तो मतलब ये एक मैंने अब सिस्टम कंसिडर कर लिया है, और उसी वजह से आप लोग देख सकते हो जो इंटरनल फोर्सेस थी एफ वन टू और एफ टू वन, अब ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। आपको पता है P1 क्या होता है, P1 इज द मोमेंटम, सो व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हमने P1 को मतलब जो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या मानी है हमने, V1 मानी है। इसी तरीके से P2 क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स। क्या बच गया मेरे पास, F1 प्लस एफ टू, तो यानी कि मेरे पास अभी तक जो भी वैल्यू बनी है उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी पहले के लिए प्लस मास इनटू वेलोसिटी सेकंड मास के लिए, इट इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स एफ वन प्लस एफ टू, जो रिजल्ट अभी तक आपके सामने आया है। आगे हमारे पास v1 और v2 की वैल्यूज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, कह लीजिए, तो हम लोग अब इन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करेंगे, इसको अपन इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं पापा, जेड एक्सिस को हमने थोड़ा सा कट कर दिया। चलिए तो मैं यहाँ पे d बाई डी टी लिखते हैं, तो v1 को क्या लिख सकते हैं, dr1 upon dt, और v2 को क्या लिख सकते हैं, dr2 by dt, और f1 plus f2, f1 plus f2 जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो उसको मैंने नेट फोर्स f मान लिया, तो टोटल फोर्स जो एक्सटर्नल लग रही है, मान लो ये है 10 न्यूटन और ये मान लेते हैं 5 न्यूटन, अभी सिंपल एडिशन मान लो 15 न्यूटन हो गया, तो उसी तरीके से मैंने F1 प्लस F2 कर दिया, हालांकि एंगल मैटर करेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपली हमने इसको F वेक्टर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे d अपॉन डी टी कॉमन लिया था, वैसे ही यहाँ पर भी d अपॉन डी टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा d बाय dt, तो क्या बचा यहाँ पर, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू टोटल फोर्स fr। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो बार आ गया, तो इसका मैथमेटिक्स में मतलब होता है हम लोग डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसे अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, d है जैसे आपको मैं सिंपल रट्टा टाइप लगवा रहा हूँ, d की पावर वन, d की पावर वन, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो d टू हो गया, dt और dt, तो इसकी भी पावर वन है इसकी भी पावर वन है, तो मतलब dt स्क्वायर हो गया। एक्चुअल में इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास कोई क्वांटिटी थी, आपने पहली बार डेरिवेटिव कर दिया, दोबारा फिर से आपने डेरिवेटिव कर दिया, अगर आप पोजीशन का टाइम के साथ डेरिवेटिव करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है,
तो यानी कि अगर मैं पोजीशन का दो बार डेरिवेटिव करूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है, उसे डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे है, ये जो स्क्वायर है ये डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, और ये इक्वल टू टोटल फोर्स एफ के इक्वल होगा। यहाँ पर अब एक लर्निंग कंसेप्ट है, एक चीज़ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, लेफ्ट साइड को टोटल मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टोटल मास। और टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम की, तो टोटल मास में क्या कुछ है, एक तो m1 है और एक m2 है, इसको तो इरेज कर देते हैं। तो m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा, फिर डस्ट ले लेते हैं अपन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो मास का तो कोई रोल नहीं होगा, तो m1 प्लस m2 हमने इसको आउट कर दिया, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म है उसको आउट कर देंगे। फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, m1 r1 m2 r2 बीच में पॉजिटिव, ये तो है ही है क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो यही सेम चीज़ हम लोग नीचे डेरिवेटिव सॉरी मतलब डिवाइड में भी लेके जाएंगे, इज इक्वल टू एफ आर। तो इसका मतलब है जो एक्सटर्नल फोर्स टोटल एफ लग रही है उसका फॉर्मूला ये बन गया, m1 प्लस m2 टोटल मास डबल डेरिवेटिव ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। दो बातें यहाँ पे क्लियर करते हैं, ये जो आपका m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 आया है, ये आर यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ये वाली बात। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ, तभी तो आपको इसको दिमाग में बिठाना है कि कैसे ये मतलब हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इजी चीज़ है। जितने भी मास हैं, जैसे दो मास हैं, तो m1 की मल्टीप्लाई उसकी पोजीशन वेक्टर से करो प्लस दूसरे मास की मल्टीप्लाई उसके पोजीशन वेक्टर से करो, डिवाइड करो टोटल मास से, तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ये तो याद करने का तरीका हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे, सपोज करो मैं एक बार यहाँ पे r पुट कर देता हूँ, डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ। ये अब जरा दिमाग में लगाइए कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें फॉर्मूला देता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ तो ये हो गया फोर्स, एम होता है मास जो आपके सामने है, एम वन प्लस एम टू, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल्स थे तो m1 प्लस m2 हो गया। तो इसका मतलब है ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। ये सारी टर्म एक्सेलरेशन को प्रेजेंट कर रही है, और क्योंकि डबल डेरिवेटिव आ गया, अभी आपसे बात की थी कि मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करूँ तो मुझे मिलती है वेलोसिटी, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव कर दूँ
तो मतलब मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है डबल डेरिवेटिव वाली, ये हमारी एस यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास, आर इज द पोजीशन वेक्टर। तो इसीलिए हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ये m1r1 + m2r2 / m1 + m2 बन गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हों, जैसे यहाँ पे मैंने दो पार्टिकल कंसिडर किए, अगर मान लेते हैं मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने बात की फॉर n पार्टिकल्स, अब पार्टिकल दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, n मान लिया, तो क्या लिखेंगे, m1r1 + m2r2 + m3r3 और mn rn। यही हो रहा है ना कि आपका मास मल्टीप्लाई उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर से करना है, r1 r2 r3 rn। और नीचे क्या लिखना है मुझे, टोटल मास m1 + m2, और अगर n पार्टिकल्स हैं तो mn, और ये इसको रिप्रेजेंट कर देगा, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके पोजीशन वेक्टर को, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि आपके पास चाहे दो पार्टिकल्स हैं चाहे 200 पार्टिकल्स हैं, फॉर्मूला का जो ट्रीटमेंट है वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव या चेंज नहीं आता। एक और कहानी है, जैसे मैंने R की बात की, अब R हमने क्लियर किया कि ये थ्री डायमेंशन है XYZ, तो अगर इसको कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट टू करना हो तो फिर क्या बात हमारे पास बनी है? जैसे कि मेरे पास यहाँ पे R वेक्टर है, तो जो R वेक्टर है ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, XI कैप + YJ कैप + ZK कैप, यही होता है पोजीशन वेक्टर। तो जो R1 वेक्टर होगा वो किसकी कुल होगा, X1 I कैप Y1 J कैप Z1 K कैप, और R2 वेक्टर किसकी इक्वल होगा, X2 Y2 & Z2। इसी तरीके से अगर n पार्टिकल्स हो या 3 हो या 4 हो, तो उनके पोजीशन के हिसाब से X Y और Z होते जाएंगे लोकेटेड। तो फिर हमें करना क्या है, X वाला X के साथ Y वाला Y से और Z वाला Z से ही कंपेयर करना है। जैसे दो पार्टिकल सिस्टम की बात करो आप, तो अगर मैं यहाँ पे X लिखूँ, R वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, R वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं, इसको इरेज कर देते हैं अपन, इधर लिख देते हैं, तो R वेक्टर को मैं क्या लिखूँगा, XI कैप + YJ कैप + ZK कैप = M1। तो R1 वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, X1I Y1 J Z1 K + M2 R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, X2 I Y2 J और Z2 K। लिख दिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय ये सारा जो क्वांटिटी है उसको मैंने डिवाइड कर देना है टोटल मास m1 + m2 से। कुछ नहीं किया है हमने, R वेक्टर को भी थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दिया, R1 और R2 को भी, दो सिस्टम पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, उसको चाहे जितने मर्जी में आप अप्लाई कर दो। तो अब X की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो I वाले के साथ कंपेयर करेंगे, m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2। अगर n पार्टिकल्स होते तो m3 x3 m4 x4, तो n तक कहानी चलती है।
अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई इज इक्वल टू एम वन वाई वन एम टू वाई टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं z की बात करूं तो z इज इक्वल टू m1 z1 m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मतलब दो पार्टिकल सिस्टम के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे x का x के साथ कंपेयर करो, y का y से और z वाले का z वाले से कंपेयर करना होता है। तो ये कहानी है जो हम लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा एक दो स्पेशल केस भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ही। उन्होंने बोला है कि अगर सपोज कर लो आपका आर वेक्टर यानी सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो यानी कि ओरिजिन पे है तो क्या होगा। देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि हमने माना कि आर वेक्टर जीरो वेक्टर है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई जीरो से करोगे सो यू विल गेट m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो ये बन जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r2। तो ये जो मास है तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो मतलब क्या है, अगर हम लोग देखें कि R1 और R2 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका मतलब ये हो गया इफ R1 इज पॉजिटिव देन R2 विल बी नेगेटिव। क्लियरली है, ये भी पॉजिटिव, ये टोटल पॉजिटिव हो गया। तो अगर इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है तो M2 तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव, तो R2 शुड बी नेगेटिव, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर R2 आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब है R1 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अब इसका मतलब प्रैक्टिकल क्या है कि सपोज करो ये ओरिजिन है, इधर है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे सपोज करो नेगेटिव एक्स एक्सिस। 1D में समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर R1 पॉजिटिव है यानी कि R1 अगर इधर पॉजिटिव है तो जो R2 होगा वो इस साइड होगा यानी कि नेगेटिव साइड, और अगर R1 नेगेटिव साइड है तो R2 पॉजिटिव साइड होगा। लेकिन कब होगा, जब आपका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर लाई करेगा, ये पॉइंट सी ओरिजिन पर अगर आ गया तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ये कहानी आपको तो ये से, मतलब पॉइंट हो गया। उसके बाद है हमारे पास, अगर चलिए इसको तो इरेज कर देते हैं, एक बात और है, अगर M1 और M2 में से मान लो M1 जो है वो ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू M2, मतलब इसका मास लगा लो 4 kg है इस पार्टिकल का और इसका है लेट मी से 2.5 kg, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किसकी तरफ होगा, इट विल बी टूवर्ड्स M1। तो मतलब जो मास भारी होता है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर M2 जो है वो ज़्यादा हुआ तो जो C है वो किसकी तरफ होगा, वो M2 की तरफ होगा। तो ये आपको याद रखना है। अजीब बात है कि अगर M1 और M2 इक्वल हो जाए, थर्ड केस कह लो, तो फिर क्या होगा, तो ये बन जाएगा m r1 m r2
एम प्लस एम। अब हमने क्या कंसिडर किया है कि दोनों मासेस एम वन और एम टू बराबर हैं, इक्वल टू एम। तो ये आप एम कॉमन ले सकते हो, तो आर वन प्लस आर टू एम प्लस एम इवन होता है, तो एम से एम कैंसिल हो गया। तो जो आर है वो आर वन प्लस आर टू बाय टू के इक्वल होगा, यानी कि ये जो पॉइंट आपको सी दिख रहा है ये ए और बी के बिल्कुल मिड में, बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह एम वन और एम टू का मास इक्वल हमने कंसिडर किया है। लेकिन अगर एक मास भारी है तो फिर सेंटर ऑफ मास भी उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर ली, और इवन एन पार्टिकल सिस्टम की भी बात हमने कर ली। आई जस्ट होप कि आपको ये वाला सेशन क्लियर हुआ होगा। काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रीजन ज़रूर कीजिएगा।